हेलो दोस्तों, इस वीडियो हम बात करेंगे बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान की मूवी जवान, जिसे बॉक्स ऑफिस पर आज 16 दिन का समय हो चुका है। बॉलीवुड के रियल एक्शन हीरो सनी देओल की मूवी गदर 2, जिसे बॉक्स ऑफिस पर आज 43 दिन का समय हो चुका है। बात करेंगे दोस्तों दोनों मूवी आज कितना कलेक्शन कर रही हैं, दोनों मूवी के अभी तक के टोटल कलेक्शन कितना हो चुका है, मूवी का टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हो चुका है। तो चलिए दोस्तों वीडियो कर लेते हैं शुरू। आप लोगों से रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। साथ ही दोस्तों शाहरुख खान सनी देओल को इंडिया का बेहतरीन सुपरस्टार मानते हो तो वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं सनी देओल की मूवी गदर 2 के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी को 11 अगस्त को रिलीज किया गया था। वहीं इस मूवी को अनिल शर्मा के डायरेक्शन में बनाया गया था। इस मूवी का बजट था 80 करोड़ रुपए। इस मूवी में सनी देओल, अमीषा पटेल, उत्कर्ष शर्मा अहम किरदार में नजर आए थे। बात करें दोस्तों गदर 2 मूवी के स्क्रीन काउंट की, तो इस मूवी को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 3,800 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। वहीं बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो इस मूवी ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 40 करोड़ 10 लाख रुपए का कलेक्शन किया था पहले दिन। वहीं दोस्तों इस मूवी ने दूसरे दिन 43 करोड़ 8 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। तीसरे दिन इस मूवी ने काफी अच्छी पकड़ बनाते हुए दोस्तों 51 करोड़ 70 लाख रुपए कमाई थी। इसी के साथ दोस्तों इस मूवी ने पहले हफ्ते में 284 करोड़ 63 लाख रुपए इंडिया से नेट कमाए थे। दोस्तों गदर 2 मूवी ने पहले हफ्ते में दुनिया भर से 369 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। बात करें दोस्तों गदर 2 मूवी की अभी तक के कलेक्शन के बारे में, तो अभी तक इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर आज 43 दिन का समय हो चुका है। जहाँ दोस्तों इस मूवी ने कल 42वें दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 25 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। वहीं दोस्तों ये मूवी आज इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 43वें दिन दोस्तों 30 लाख रुपए का कलेक्शन कर रही है। इसी के साथ दोस्तों इस मूवी ने अभी तक टोटल इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 521 करोड़ 80 लाख रुपए का कलेक्शन कर लिया है। और अभी तक इस मूवी ने टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 685 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है। तो दोस्तों गदर 2 मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हो चुकी है। लेकिन दोस्तों अभी तक इस मूवी ने पठान मूवी के लेफ्ट टर्म रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाया है। वहीं दोस्तों अब बात कर लेते हैं बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान की मूवी जवान के 16 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी को 7 सितंबर को रिलीज किया गया था। वहीं इस मूवी का बजट था 250 करोड़। इस मूवी को एटली कुमार के डायरेक्शन में बनाया गया था। इस मूवी को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 5,500 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। वहीं इस मूवी को टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 10,000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। दोस्तों इस मूवी में शाहरुख खान, विजय सेतुपति, नयनतारा आपको अहम किरदार में नजर आए थे। वहीं दोस्तों इस मूवी में दीपिका पादुकोण का भी जबरदस्त कैमियो देखने को मिला था। बात करें दोस्तों जवान मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो इस मूवी ने पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 74 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए थे। वहीं दोस्तों इस मूवी ने पहले दिन दुनिया भर से दोस्तों 129 करोड़ 60 लाख रुपए का ताबड़तोड़ कलेक्शन किया था। वहीं दोस्तों दूसरे दिन इस मूवी ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 53 करोड़ 23 लाख रुपये कमाए थे। तीसरे दिन इस मूवी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए दोस्तों 77 करोड़ 83 लाख रुपये का ताबड़तोड़ कलेक्शन किया था। वहीं दोस्तों चौथे दिन इस मूवी ने काफ़ी अच्छी पकड़ बनाते हुए 81 करोड़ 10 लाख रुपये कमाए थे। वहीं दोस्तों जवान मूवी ने पहले हफ्ते में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 368 करोड़ 28 लाख रुपए कमाए थे इंडियन बॉक्स ऑफिस पर। वहीं दोस्तों इस मूवी ने पहले हफ्ते में दुनिया भर से 660 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया था। दोस्तों जवान मूवी की अभी तक के कलेक्शन की बात करें, अभी तक इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर आज 16वां दिन है। जहां दोस्तों इस मूवी ने कल 15वें दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 9 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। वहीं दोस्तों ये मूवी आज 16वें दिन भी दोस्तों कल की तरह काफ़ी अच्छी पकड़ बनाते हुए 9 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर रही है। इसी के साथ दोस्तों इस मूवी ने अभी तक टोटल इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 536 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया। वहीं दोस्तों अभी तक इस मूवी ने टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 960 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। तो दोस्तों जवान मूवी कलेक्शन के हिसाब से बॉक्स ऑफिस पर एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हो चुकी है। और जो दोस्तों शाहरुख खान की दूसरी मूवी है दोस्तों एक ही साल में 1,000 करोड़ के क्लब में भी एंट्री ले चुकी है। भाई दोस्तों आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। भाई दोस्तों आपने अगर दोनों मूवी देखी है तो दोस्तों आपकी सबसे फेवरेट मूवी कौन सी है, आपका सबसे फेवरेट सुपर स्टार कौन सा है दोस्तों कमेंट बॉक्स में नाम जरूर बताइएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।